सो है बड़ी सब गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू पोकेमॉन ट्रेनर कैनन वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई कैच करने वाला है म्यू को, ठीक है। सो यार, जैसे कि आप देख ही रहे हो, इस बार सफारी जोन में बहुत ही ओपी ओपी पोकेमॉन आए, जैसे कि यहाँ पर हो गया ट्रिको, गेंगार, फिर मोबाइल एंड ये रायहॉन शायद से, एंड यहाँ पर आ चुका है म्यू, ठीक है। तो यार बहुत ही ओपी पोकेमॉन कैच कर लेना। मेरे सर्वर वालों को तो नीचे का मिल जाएगा शायद मोबाइल एंड ड्राइवन। आपके सर्वर में मोबाइल है कि नहीं पता नहीं, गारंटी नहीं है, चेक कर लेना एक बार। एंड अभी चलो यार कैच करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जिसने अभी तक जाके 500 जेम्स कलेक्ट नहीं किया है, जाओ 500 जेम्स कलेक्ट कर लो। एंड नीचे यहाँ पर देख सकते हो मिला है मुझे टीएम बॉक्स, सिलेक्ट टीएम बॉक्स है एक्चुअली ये। यहाँ पर लिखा है ओपन इट गेट वन टेक टेच मशीन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो सिलेक्टेड टीएम बॉक्स है ये। एंड अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। एंड अभी चलो यार देखते हैं पहले टीएम बॉक्स में आखिर है क्या, एंड उसके बाद यार हम जाएंगे एंड कैच करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं टीएम बॉक्स में हमें कौन कौन से टीएम मिलते हैं, एंड वो देखना भी यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये टीएम बॉक्स, एंड यहाँ पर यूज़ पर क्लिक करते हैं। टेक डाउन, अच्छा टेक डाउन, सबमिशन, पेडे, सेस्मिक टॉस, डीक, डबल डीम, रिफ्लेक्ट, भाई स्वर्ड डांस, ठीक है। तो मतलब इतना ही है। सो आई थिंक स्वर्ड डांस लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी टेक जो टीच मशीन है टीएम वो तो फिर भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर जो स्वर्ड डांस है वो नहीं मिलता है, ठीक है। एंड अगर आपको आपके पास स्वर्ड डांस है तो आप 500 क्रिस्टल भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्वर्ड डांस पे, एंड यार इसको ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों, अजीब बात है, मैंने स्वर्ड डांस सिलेक्ट किया यार, एंड मुझे मिला कौन सा, रिफ्लेक्ट मिला। मतलब ये कौन सा भद्दा मजाक है यार, पता नहीं, तो पता नहीं कौन सा ग्लिच हुआ है। बट यहाँ पर हम पहले जाके एक बार चेक कर लेते हैं टीएम में जाके कि हमें कौन सा ये टीएम मिला है, ठीक है। आई थिंक मुझे स्वर्ड डांस मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं है। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ यार, गुस्सा बहुत आ रहा है। तो देखते हैं यार ये कौन सा रिफ्लेक्ट, तो आई थिंक मुझे वही मिला है, रिफ्लेक्ट ही मिला है। मतलब हद हो गई यार ट्रेनर कैनन वालों, ऐसा क्यों करते हो पता नहीं, बट जाने दो। चलो यहाँ पर हम जाते हैं सफारी जोन में एंड कैच करते हैं म्यू को, एंड देखते हैं यार कितने एडवांस स्कैनर लगते हैं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास शायद से 94 है, हाँ शायद से क्या 94 ही है। एंड अभी हम क्या करेंगे, नीचे के कुछ पोकेमॉन कैच कर लेंगे। यहाँ पर पोकेडेक्स में दिखाता हूँ, टुडे पोकेडेक्स में। तो यहाँ से कौन सा लेना है हमें, जींस लेना है, ठीक है, जींस या जिंक क्या कुछ तो भी बोलते हैं, एंड ग्लिफकोर लेना है, ठीक है। एंड बाय द वे ये मेरे पास पहले से था, लूडीगोलो भी पहले से था, ये भी मेरे पास है। एंड फिर टेंटेकोल मैंने कैच कर लिया था पहले भी, तो यार हम उसको कैच नहीं करेंगे, ठीक है, टेंटेकोल को रहने देते हैं एंड बाकी के कैच करते हैं। तो चलो यार इसको एक बार कैच कर लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... गाइस फाइनली यहाँ पर हमें लगे हैं 20
या 27 के आसपास कुछ लगे हैं, मैं बता दूंगा स्क्रीन में एक्चुअली कितने लगे थे। 94 था हमारे पास एंड अभी 67 है, तो मैंने जहाँ गिना है 26 ही या 27 स्कैनर्स लगे हैं मुझे फाइंड करने में। तो यार बहुत ही कम स्कैनर्स में हमें मिल चुका है यहाँ पर म्यू। एंड चलो यार अभी इसको कैच करते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे पास 67 एडवांस स्कैनर्स हैं, तो इसका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं किसी और पोकेमोन को कैच करने में। एंड अभी हमारे पास मास्टर बॉल तो है एक, बट जाने दो यार मास्टर बॉल क्या यूज़ करेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ कि यार 20 बॉल के अंदर ही आई थिंक कैच में आ जाएगा, तो यार जल्दी से जल्दी बॉल फेंकते हैं एंड उसके बाद इसका नेचर वगैरह सब कुछ देखेंगे कि यार कौन सा नेचर हमको मिलता है। सो गाइस फाइनली हमने कैच कर लिया है म्यू को। एंड यार कति इस पोकेमोन ने यार बैंड बजा के रख दी थी, क्योंकि हम तो अटैक कर नहीं रहे थे एंड उसने शाइनी शाइमून को पूरा कॉपी कर लिया था एंड उसका जो मूव है पूरा का पूरा कॉपी कर लिया था। एंड यार पॉइजन कर करके मार रहा था मेरे पोकेमोन को, क्या ही बताऊँ। अभी कभी पॉइजन यूज़ करता था तो कभी लेस सीड, मतलब कति हद कर दिया था बंदे ने। एंड यार चलो अभी जब हमको मिल ही चुका है म्यू, तो यार इसको थोड़ा सा देखते कैसा है पोकेमोन, क्योंकि फर्स्ट टाइम पकड़ रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो यार देखना तो बनता है। यहाँ पर देखो ये है एंड इसका मेगा इवोल्यूशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड इसका अगर मैं अटैक दिखाऊँ आपको तो पाउंड ट्रांसफॉर्म, फिर मेगा पंच, फिर मेट्रोमी, ठीक है। ये क्या है यार, देखो यार कुछ तो भी पढ़ लो, मेरे को नहीं पढ़ना। एकदम पूरा कॉपी कर देता है ट्रांसफॉर्म, यार ये तो सबको पता ही होगा। एंड कुछ वन मूव में जाके देखते तो साइकिक आता है इसको इन सब के अलावा, ठीक है। तो आप साइकिक रख सकते हो एंड टीम यार आखिरी में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नेचर देखते कौन सा मिला है हमें, तो क्लोज करते नेचर डिफेंस माइनस और स्पीड प्लस। स्पीड प्लस फिर भी ठीक ठाक है यार, स्पीड प्लस ठीक ठाक है, बट पता नहीं यार मेगा होने के बाद इसका एसएस कैसा होगा। तो अच्छा ठीक है, तो मतलब डिफेंस उतना खास प्लस होने वाला नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा प्लस होने वाला है एंड नेचर की वजह से और भी ज़्यादा प्लस होगा, तो सही बात है, ठीक है। एंड बाकी अटैक एंड यस अटैक भी अच्छे खासे प्लस होने वाले हैं, मतलब नेचर उतना बुरा नहीं मिला है हमको। एंड फिर अभी देख लेते हैं इसको कुछ टीएम वाले मूव। तो यहाँ पर देखो रोअर वगैरह, रिफ्लेक्स, सूल ब्लास्ट, बाउंस, रूस्ट, ग्रास नॉक, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे अटैक यार ये सीख सकता है इजीली, क्योंकि ऑफकोर्स यार इसके पास ट्रांसफॉर्म एबिलिटी है, तो उस हिसाब से यार इसको मूव्स तो बहुत अलग अलग टाइप के आने ही चाहिए, ठीक है। तो यार देख लो एंड इसके बाद हम इसकी एबिलिटीज भी देखेंगे, पहले देख लेते यार इसके पास कौन कौन से यार, मतलब और कितना यार जल्दी जल्दी कर रहा हूँ फिर भी यार मूव्स ख़त्म नहीं हो रहे। हर एक टाइप के मूव्स आते हैं भाई इसको, मुझे तो लगता है ट्रेनर कैनन में जितने भी मूव्स हैं सभी के सभी आते हैं इसको। ड्रैगन टेल भी शायद आता है टीएम से एक्चुअली सिखा सकते हो शायद, मेरे को उतना पता नहीं है, पर देखो यार एक बॉम्ब वगैरह, मतलब स्काई अटैक यार कितने सारे मूव है इसके पास, आउटर स्टॉल, मतलब हर एक टाइप का मूव है यार इसके पास। एंड यार जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, बाकी इसका एक और दो ये यार बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, जाने दो। तो पहले इसकी एबिलिटी देख लेते हैं, तो यार ये देखो प्रेशर एबिलिटी, नेचर कल, ऑल स्टेटस कंडीशन हील व्हेन पोकेमोन स्विच आउट, ठीक है। एंड फिर दूसरा है सीरीना ग्रेस, बूस्ट द लाइक क्या है लाइकलीहुड ऑफ एडिशनल इफेक्ट ऑकरिंग विंग अटैकिंग। तो यार इसका मतलब मेरे को नहीं पता, आई थिंक नेचर कल के क्योर के साथ आपको नेचुरल क्योर केयर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोकेमोन स्विच कर दोगे तो स्टेटस कंडीशन जो है हील हो जाएगा। एंड वैसे और मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मैंने अभी तक यूज़ तो किया नहीं है, बट आई थिंक नेचुरल क्योर एबिलिटी एक्टिव करना चाहिए आप लोगों को। एंड यार चलो इसको थोड़ा गैलरी में सेंड करके दिखाते हैं सबको। सो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वीडियो आप बताओ कमेंट में कि आपको ट्रिक चाहिए कि नहीं टीएम बॉक्सेस को लेके। मेरे साथ तो ग्लिच हुआ है, बट आई थिंक आप डायरेक्ट एक ही टीएम को सिलेक्ट करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड टीएम बॉक्स है एक्चुअली, तो मिल तो जाना ही चाहिए। एंड फिर मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।